मेडल्स निकालने के लिए पहली चीज ध्यान रखिए कि आपके पास रैंक का फॉर्मूला लगा हो या पोजीशन हो। ठीक है, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, 1 2 3 इस टाइप से, क्योंकि कम वाली पोजीशन को ये मेडल दे। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो होगा इफ और चूज। कैसे होगा, इक्वल किया, इफ ब्रैकेट ऑन, ठीक है, आपकी एच टू रैंक ले ली, लेस देन इक्वल 3, ठीक है, यानी थर्ड पोजीशन से कम कम को आप रिजल्ट दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे ऊपर आता है तो अलग डिफरेंट। तो आपने 3 लिखा, देन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, या आपने चूज का फॉर्मूला लगाना है, यहां पर कॉमा डाल के आप चूज लिख दें, सिंपल चूज, अगेन एच टू को सिलेक्ट करें, देन कॉमा, एच टू का रिजल्ट दिखाना है। इसमें फर्स्ट क्या दिया आपने, फर्स्ट दे दिया आपने गोल्ड, देन कॉमा, फिर दिया आपने सिल्वर, इनवर्ट कॉमा क्लोज, देन फिर से कॉमा, देन दिया आपने ब्रॉन्ज, ठीक है, आप इसको जेड ई कर दे, ब्रॉन्ज, इनवर्ट, देन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर से कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा, अब कोई पोजीशन आई नहीं है तो यहां पर आप लिख सकते हैं नो पोजीशन, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, देन एंड। ठीक है, तो ये आ गया नो पोजीशन। अगर आप इसको ड्रैग करके देखें तो आपको पता लगे कि गोल्ड किसको दिया है हमने, सिल्वर किस पोजीशन को दिया है, 1/5, और ब्राउन्स किस पोजीशन, यानी अगर थर्ड पोजीशन को लिया गया तो ब्रॉन्ज दिखता है, फर्स्ट पोजीशन है तो गोल्ड, सेकंड आ रहा था सिल्वर। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला मेडल, कि मेडल्स कैसे निकालते, ठीक है।